फ्रेंड्स, ट्रैफिक सिग्नल में इस तरह से वेट करते समय कितनी देर रुकने पे हमें अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए, कब चालू रखना चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग इंजन को बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल जलेगा, जबकि सच कुछ और है। आपको टाइमिंग पता होना चाहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं 125 cc की बाइक की, जो कि इस तरह से सिग्नल पर खड़ी है और इंजन उसका चालू है, तो एक मिनट में अगर आइडलिंग RPM 1200 है, यानी कि 1200 बार इंजन के अंदर में क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, मतलब ये हो गया कि 60 सेकंड में 600 बार इंजन के अंदर में पेट्रोल जा रहा है, वो पेट्रोल वहां पे जल रहा है सिर्फ और सिर्फ खड़ी बाइक के इंजन को चालू रखने के लिए। जितना ज्यादा सीसी का इंजन होता है उतनी ज्यादा बार और उतना ज्यादा पेट्रोल बार बार इंजन के अंदर में जलते रहता है। अगर फोर व्हीलर की बात की जाए, आपको यहाँ पे 30 सेकंड से आ टाइम के लिए रुकना है, आप इंजन को बंद कर दो। अगर आप टू व्हीलर में है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 20 सेकंड से ज्यादा वेट करना है तो आप इंजन को बंद कर दो और फिर ग्रीन सिग्नल होने पर इंजन को चालू कर दो। इस तरह से आप पैसे, पेट्रोल और पर्यावरण तीनों को बचाओगे।